नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश सोनी और आप देख रहे हैं रेंडर वाला ट्यूटोरियल्स। आज के हमारे इस चैनल में हम लेके आए हैं पोस्ट प्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर एक किसी आर्टिस्ट ने 3D का काम करा था, तो उसको हम फोटोशॉप के द्वारा कैसे पोस्ट प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वीडियो में आप ये देख पाएंगे। ये वर्क उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत करके बनाया था, बट उसमें चाहे तो 3D में इसकी लाइटिंग और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए थी, बट एक इमेज को डायरेक्टली हम फोटोशॉप में ले जाके विदाउट कोई एलिमेंट डाले उसकी पोस्ट प्रोडक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे जो फोटोशॉप है वो थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, इस वजह से इसमें एक स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको अदर वर्जन में नहीं मिल पाएंगे। तो आपका अगर फोटोशॉप अपग्रेड नहीं है तो उसको अपग्रेड जरूर कर लीजिए और देखिए हमारी ट्रिक्स के साथ में कि हम किस तरीके से इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं और इसमें किस तरीके से पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रहे, इस आगे वीडियो के अंदर हमने ऑडियो नहीं डाला है, आप इस टूल को गौर से देखिए, समझिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप अपने कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
sophisticated apparatus. Thank you.